फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। इसको पढ़ने से पहले, इस मेन टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये सिर्फ इस एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी, इनफैक्ट आपके प्रॉब्लम्स के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ आए कि क्या है ये। ओके, डीएनए हमें पता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। उस डीएनए की बात की गई है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिस जो हमारा ये जो डीएनए है, हमारा डीएनए इस शेप में होता है। तो इस डीएनए के अंदर जो हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, जिसको लेम लैंग्वेज में छेड़छाड़, या फिर हम जिसको इसके अंदर जो चेंज लेके आएंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि रिकम्बाइन, नाम से पता चल रहा है, कुछ ऐसा जो नहीं है उसको रिकम्बाइन करना, उसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो यू शुड नो ये किस चीज की बात हो रही है। ओके, एंड अब ऑब्वियसली हर मैंने अपनी सारी वीडियोस में ये किया, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 10 नंबर में आए तो आपको कितना लिखना है, अगर 20 नंबर में आए तो कितना लिखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है या टेक्नोलॉजी क्या होता है। हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर 2022 का पेपर देखो आप, तो उसमें पूछा कि हाउ एथनोसेंट्रिज्म इवॉल्व, की हिस्ट्री क्या है। तो मतलब यूपीएससी एक्सपेक्ट अस टू नो व्हाट इज हिस्ट्री बिहाइंड दी कोई भी टॉपिक। तो हम हर टॉपिक में कोशिश करेंगे, चाहे एक दो लाइन लिखे, बट वी शुड नो व्हाट इज बैकग्राउंड, हाउ इट इवॉल्व, हाउ इट केम टू बी इन द न्यूज। मेथड, डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अगर 10 नंबर में आ जाए, जब 20 नंबर में आ जाए, अगर 10 नंबर में आ जाए तो एक स्टेप में, अगर 20 नंबर में आ जाए तो चारों स्टेप्स में। यू नीड टू शो कि ये बनता कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है इसकी। हाँ, हम कुछ 6 से 7 एप्लीकेशंस याद करेंगे, जिसमें से 5 भी अगर आपको एग्जाम में आता देते तो वेल एंड गुड है। एथिकल कंसर्न्स, कुछ ना कुछ हर चीज के लिमिटेशंस होते हैं, कोई एथिकल कंसर्न्स है इसके लिए। जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह टॉपिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ एथिकल कंसर्न्स है, ये उसी का पार्ट है बेसिकली, हम ऐसे कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूपीएससी की आदत है जो चीज न्यूज में रहती है उसको क्वेश्चन में डाल के उससे पूछने की, तो इसलिए हमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पढ़ना पड़ेगा, और हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड तक देख लो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो होता क्या है बताया, डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बेसिकली डीएनए के साथ अगर हम कोई भी चेंज लेके आते हैं तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हम कुछ रिकम्बाइन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री में जब हम बात करें तो ये उतने लोग की बात है, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, और जो बायो टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इवॉल्व नहीं होती थी, तो ये 1973 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हुआ था। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारा नॉर्मल डीएनए है, इसके अंदर हमने कुछ कंबाइन कर दिया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। मतलब ये जो चीज हमने जो ऐड करी है, इसको हम बोलते हैं, ये पूरे डीएनए बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो 1973 में बना था, पॉल बर्ग, हर्बर्ट स्पेंसर वाज द पर्सन उस टाइम पे जो जिन्होंने ये इवॉल्व किया था। 1975 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी गई थी कि आर डीएनए को अगर हमें बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली आर डीएनए, अगर उसको हमें बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कैसे उसको, और हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, मेथड। मेथड में क्या आएगा, मेथड
सीखने से पहले यू शुड नो सम टर्म्स, प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. प्लाज्मिड क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है ना उसके अंदर ना दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक तो नॉर्मल डीएनए होता है और एक होता है सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए इसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड. बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसकी ना ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए इसको अगर हम खोलेंगे ना तो उसके ऊपर ऐसे कुछ ATGC लिखा होता है, ऐसे करके कोई सीक्वेंस होता है. बेसिकली आप ऐसे याद कर लो कि कोई सीक्वेंस होता है. इस सीक्वेंस को कट करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. बेसिकली ये मॉलिक्यूलर सीजर है. मॉलिक्यूलर सीजर है क्या था, हमने सेल में से डीएनए निकाला. डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है, अगर हमें कट करना है इसको तो हम इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कि जो कि सेल से हो. अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि हम इसको कट क्यों करते हैं. ओके, मैं इसको हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा. इंसुलिन क्या होता है, जो डायबिटीज होते हैं पेशेंट्स उनको, उनके अंदर इंसुलिन की ऐसा हो रहा है कि कमी हो रही है, इंसुलिन ग्रो नहीं हो रहा है. तो मुझे इंसुलिन चाहिए, है ना, मुझे इंसुलिन चाहिए. अब मुझे इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा, बिकॉज मेरी बॉडी तो नहीं बना रही है उस इंसुलिन को. तो बाहर से लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो चीज है ना ATGC, ये जो भी सीक्वेंस है ना, ये किसी ना किसी चीज को बना रहा है. जैसे मैंने मान लिया कि ये जो TGCA है वो इंसुलिन को बना रहा है, तो मैं कहीं और से, किसी और ऑर्गेनिज्म से ये वाला सीक्वेंस ढूंढूंगी और इस सीक्वेंस को अपने अंदर डालूंगी. तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. बेसिकली हमने क्या किया, जो चीज हमारी बॉडी में नहीं थी, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं इसे हम, इसकी जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में भी है, इसकी एप्लीकेशन एनिमल्स में भी है, इसकी एप्लीकेशन फार्मेसी में भी है, हर फील्ड में है. एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मेरी बॉडी में एक चीज की कमी थी, मुझे वो चीज बाहर से चाहिए थी. अब जो बाहर से चाहिए होगी तो क्या करूंगी, मैं एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म ढूंढूंगी जिसके पास ये सीक्वेंस होगा. सीक्वेंस को क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो इंसुलिन बना रहा है, मतलब वो चीज बना रहा है जो मुझे चाहिए. तो वो जो चीज है, जो भी मुझे चाहिए, उसको सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा. उस सीक्वेंस ढूंढना है, फिर उसके बाद उसे कट करना है, और कट करके फिर ऐसे करना कि मुझे ऑब्वियसली ये सीक्वेंस तो मैं खा नहीं सकती हूँ, तो उसे किसी चीज में ऐड करना पड़ेगा. वो जो चीज ऐड करेंगे उसके बाद मैं उस चीज को इंटेक करूंगी. दैट इज पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा मेथड यही है. अब हम समझने की कोशिश करते हैं पूरे मेथड को, बिल्कुल टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में. पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आएगा कि हम पहले लाइब्रेरी में से ढूंढेंगे, we will search for the genome जो हमारे काम का है, या जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जीनोम लाइब्रेरी है पूरी, इसमें से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे. पहला स्टेप समझ रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम, मैंने बताया ना कि मैं डायरेक्ट तो ले नहीं सकती हूँ, उसको किसी चीज में ऐड करना पड़ेगा. तो हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में ऐड करेंगे. प्लाज्मिड क्या बताया था मैंने, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए के अंदर जो होता है वो प्लाज्मिड होता है. सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं. तो उस प्लाज्मिड, अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढा, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो वो जो हमारे पास पूरा प्लाज्मिड था प्लस हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं प्लाज्मिड को मैं ब्लैक उसे शो कर रही हूँ, ये हमारा प्लाज्मिड है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. इसको कट करके हम अपना ये बना लेंगे. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बेसिकली वो
कोर डीएनए जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को क्या करेंगे हम, ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई, बेसिकली इसको बोलेंगे आरडीएनए जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, इसको जब हम जेन इसको एक मिनट इसको पेस्ट भी करना है ना। पेस्ट किससे करेंगे हम, इसे लाइगेज की हेल्प से पेस्ट करेंगे। कट किसकी हेल्प से करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और पेस्ट किसे करेंगे, लाइगेज की हेल्प से। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आएगा, जो ये हमारा डीएनए है सर्कुलर डीएनए जिस बैक्टीरिया में से लिया है उस बैक्टीरिया में वापस डाल देंगे, ये उसका खुद का डीएनए, और ये जो प्लाज्मिड की जगह पे ये सर्कुलर डीएनए जो हमने ऐड किया जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसमें भी अगर हमें ह्यूमन बींग में इंट्रोड्यूस करना है किसमें भी, और फिर उसका रिजल्ट आएगा जो हम देखेंगे। समझ आया कैसे था, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जीनोम, एक पूरी लाइब्रेरी एक होता है जहां पे सारे टाइप के जीन्स होते हैं, पहले उस जीनोम लाइब्रेरी में से हमने अपने इंटरेस्ट का जीन निकाला। अपने इंटरेस्ट का जीन निकालने के बाद हमने उसे प्लाज्मिड के साथ ऐड किया। प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड और जीनोम इंटरेस्ट अपना ऐड किया और लाइगेज की हेल्प से उसे पेस्ट किया। उसके बाद उसको हमने इकोलाई बैक्टीरिया, जो भी हमने बैक्टीरिया लिया था, इकोलाई जनरली हम लेते हैं रिसर्च में, इकोलाई बैक्टीरिया में उसको ऐड किया और इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, या जहां भी हमें इंट्रोड्यूस करना था वहां पे हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड वी गॉट दी प्रोसेस, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई भी डाउट हो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर। मैं फिर से वीडियो बना दूंगी अगर आपको समझ नहीं आया, मैं लाइव सेशन में पढ़ा दूंगी, बट जस्ट टेल मी, लेट मी नो। आपका बस एक ही काम है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद आती है एप्लीकेशंस, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहली बात तो डिसीजेस में, अभी जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बहुत सारी जैसे ग्रोथ हॉर्मोन की कुछ ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं हो पाती तो ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज नहीं होता, तो ग्रोथ हॉर्मोन्स, तो डिसीज को ठीक करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि किस चीज का इफेक्ट कैसा होगा, उसके लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अगर हम जब 9.3 पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तब हम इस पॉइंट को एलाबरेट करेंगे। यूपीएससी चाहता है हम इंटरलिंक करें तो हम करेंगे, हम बताएंगे कि 9.1 का रिलेशन 9.3 से है, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देन फोर्थ इज फार्मेसी में, फार्मेसी में कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई मेडिसिन बनी है, नई मेडिसिन का ट्रायल करना कि वो जो नई मेडिसिन है उसका इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन बींग्स पे, जो भी उसे ले रहा है उस पे, तो उसको पढ़ने को उस स्टडी को हम इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर हम अब कंटेम्प्ररी लिखें, इसी में डाल रही हूं मैं क्योंकि वो भी एक एप्लीकेशन की उसमें, अभी क्रिस्पर CAS9 प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज़पेपर में 10 बार आता है इसके बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है क्रिस्पर CAS9 प्रोटीन में। सिक्स, अभी हमने रिसेंटली, मैंने जो इंसुलिन पढ़ा, हमने एक नई रिसर्च करी है नेशनल डेयरी रिसर्च अथॉरिटी, डेयरी रिसर्च अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया है कि बफेलो मिल्क से इंसुलिन बनाने की कोशिश की है, बफेलो मिल्क से इंसुलिन बनाने की कोशिश की है। इतनी तगड़ी रिसर्च हुई है। अगर हम ये एग्जांपल्स अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको लगता है कि यूपीएससी हमें नंबर नहीं देगा, इट विल डेफिनेटली गिव अस मार्क्स, वो भाग के नंबर देगा कि बच्चे को करंट रिलेवेंस भी पता है, उसको स्टैटिक पार्ट भी पता है, उसको हिस्ट्री भी पता है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो व्हाट विल, हाउ विल यू स्टार्ट, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद हिस्ट्री के जो मैंने दो पॉइंट्स बताए थे कि 1973 में क्या हुआ था, फिर 1975 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हम मेथड्स लिखेंगे क्योंकि हमें हिस्ट्री से पेज भी नहीं भरना अनलेस वो सिर्फ स्पेसिफिकली हिस्ट्री पूछे। मेथड हम पहले
मेथड्स दिखाएंगे. फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन आई, उसके बाद हिस्ट्री आई दो लाइनों में, मेथड आधा आया, नेक्स्ट पेज पे मेथड पूरा कंप्लीट हुआ. देन उसके बाद हम एप्लीकेशंस लिखेंगे जो कि हमारी थर्ड पेज तक जाएंगी. फिर उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखेंगे, उसके बाद हम लिमिटेशंस लिखेंगे. एंड डू यू जेन्युइनली फील कि यूपीएससी मार्क्स नहीं देगा, टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे? इसके बाद है लिमिटेशंस. इसकी क्या लिमिटेशंस है? एक्चुअली एथिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है. ऐसा एथिकल कंसर्न उठा हुआ है कि अगर लोगों को पता चल गया कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो अब वो ऑर्गन जो नेचुरली, ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा था, वो नेचुरली प्रोड्यूस ना होके ऐसा बन जाएगा जो रोबोट टाइप होगा. लाइक जैसा हम चाहते हैं हम उसको वैसा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. जो नेचुरल चीज है वो नहीं बचेगी. ऑल्सो दूसरा कंसर्न क्या है कि चीजें स्टॉल हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल 1951 में एक साइंटिस्ट ने एक फीमेल का जर्म लाइन सेल जो है उसको स्टॉल कर लिया था, जिसे हेलिना सेल लेयर भी कहते हैं. हेलिना सेल लेयर इसकी रिसर्च के लिए, और ये आज भी यूज हो रहा है. बट ये जो जहां जिससे भी रिसर्च हुई है ये स्टॉलन डीएनए से हुई है. तो दिस इज ऑल्सो एन एथिकल कंसर्न. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करें. थैंक यू.